भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर हम लोगों को उस आंदोलन की याद आनी पड़ेगी और वो आंदोलन करना पड़ेगा। योगी जी को और मोदी जी को भगाने का नहीं, उनको भगाने का आंदोलन नहीं चाहिए, उनके इस आइडिया को चाहिए जो नफरत, दंगे, घृणा फैला रहे हैं कि आज ये हिंदुस्तान में, मतलब मैं जब छोटा था तो मैं भी दिवालियों में घरों में बनाया करता था, दिए जलाया करता था। मैं जब छोटा था तो होली में इतनी देर तक होली खेलता था जब तक कपड़े फट नहीं जाते थे। हम सब दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा में विसर्जन के लिए नाचते हुए जाते थे। ईद और बकरीद में सवैया सब लोग शेयर करते थे। आज ऐसा क्या हो गया है कि एक दूसरे से बात करने पे भी लोग डर रहे हैं? मॉब लिंचिंग हो रही है, इंसान इंसान को मरते हुए देख के खुश हो रहा है। ये हम इंसान नहीं हो सकते। कोई पब्लिक अगर किसी को देख के खुश हो जाए, किसी को कोई, अभी कासिम को हापुड़ में जिस तरह से मारा गया है, या जिग्नेश भाई ने जो उन्नाव कांड की बात की जहां दलितों को चमड़ी उधेड़ दी गई और लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, ये ले लो। तो दैट इज, हम लोगों को इंसान के फॉर्म में हम लोगों को, मतलब हिंदुस्तानी होने पर शर्म होनी चाहिए। जिस हिंदुस्तान की बुनियाद इसलिए बनी थी कि सब लोग साथ रहेंगे, सब लोग एक दूसरे का दुख बटाएंगे, वहां पे एक दूसरे को मार के खुश हो रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान नहीं है। कल 10 अगस्त है, एक साल हो जाएगा उन 45 बच्चों की, पेरेंट्स जो माँ बाप जो उन 45 बच्चों को खो दिया और 45 बच्चों की जान चली गई, उसको एक साल हो जाएगा। और क्यों जान चली गई? क्योंकि गवर्नमेंट ने 60 लाख रुपए पे नहीं किए थे जो ऑक्सीजन सप्लाई करता था। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उस रात 10 तारीख की रात 23 बच्चे मरे थे और अगले दो दिनों में 22 और मौतें हो गई। नहीं नहीं, अस्पताल बंद नहीं है, हाँ एकदम 1200 मौतें हो। हाँ, उस दिन लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और 23 मौतें जो हुई, उन पेरेंट्स को आज तक जस्टिस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो गरीब के बच्चे थे। किसी मंत्री का बच्चा होता या किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो सब कुछ सुधर गया होता। आपकी बात एकदम सही है। 1200 बच्चे 1 जनवरी 2018 से जुलाई 31 तक 1200 बच्चों की मौत उस हॉस्पिटल में हो चुकी है। आपकी बात एकदम सही है। और योगी जी क्लेम करते हैं कि हमने हॉस्पिटल में 150 करोड़ दे दिया, 34 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी। जापानी बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। अब मच्छर कैसे जानेगा कि ये गरीब का बच्चा है कि अमीर का बच्चा है काटने में? क्यों नहीं अमीर का बच्चे को जापानी बुखार होता है? कभी सोचा है क्यों जो दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर गरीब के बच्चों को ही हो रहा है? क्योंकि अमीर के बच्चे, पैसा उनके पास होता है, उनके माँ बाप जाके प्राइवेट डॉक्टर के पास वैक्सीन लगवा लेते हैं। गरीब का बच्चा सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार वैक्सीन लगाएगी तो लगेगा। तो मच्छर ही नहीं जान पाएगा कि यह गरीब का बच्चा है, मत काटो, अमीर का बच्चा है, नहीं काटो। या तो आप वैक्सीन लगा नहीं रहे हो, या तो आप बस ऐसे ही क्लेम कर रहे हो कि हमने लगा दिया है, या दो डोज में से एक डोज लगा रहे हो। उस कांड में मैं 9 महीने जेल रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो बच्चों की जान ना जाए। नौ महीने बाद हाई कोर्ट कहता है कि यूपी गवर्नमेंट एक सबूत आपके खिलाफ पेश नहीं कर पाई, अब आप जा सकते हो। अब वो मेरे 9 महीने कौन देगा? क्या जुर्म था मैंने? मैं तो बच्चों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट किया था।
जो कहते हैं कि तीसरा स्तंभ डेमो अरे जुडिशरी और चौथा स्तंभ मीडिया, वो दोनों ही काम कर रहा है सरकार के अंदर में। अभी चंद्रशेखर आजाद रावण की बात हुई, एक साल हो गया है, एनएसए भी लग गया है, बेल नहीं मिल रही। मीडिया जो है मुझे वाइस प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सब बना दिया, कहता है कि सिलेंडर चोरी करते थे। अरे बात सिलेंडर की नहीं थी, लिक्विड ऑक्सीजन की थी जो पाइपलाइन से सप्लाई होता है, तो उसको चोरी कौन करेगा। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करके उन्होंने बीआरडी ऑक्सीजन कांड को भी छिपा दिया। आपको पता है डॉक्टर सतीश कुमार थे, वो भी मेरे साथ जेल में रहे। डॉक्टर सतीश कुमार बेहोशी वाले डॉक्टर थे, एनेस्थीसिया के, वो दलित थे। उनका बीआरडी के मतलब उससे पीडियाट्रिक बीमारी बच्चों के हॉस्पिटल से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी डीजीएमई ने जब रिपोर्ट लगाई तो ये लगा दिया कि डॉक्टर सतीश कुमार 100 वार्ड के यानी बच्चों के वार्ड के हेड हैं। और इस बात पे उनको जेल भेज दिया गया, 9 महीने तक जेल रहे। जेल में जेलर जो है हम लोगों को एक चुटकुला सुनाता था कि एक बार एक नए नए डीएम साहब आए और उनको एक बिल्ली ने जो है पूरा वो पंजा मार दिया। तो डीएम साहब ने कहा कि सारी बिल्लियों को पकड़ लाओ, तो सारे पुलिस वाले सब बिल्ली पकड़ने में लग गए। तो उन्होंने देखा एक ऊंट भी भाग रहा है, उन्होंने कहा अबे तुम क्यों भाग रहे हो भाई, हम तो बिल्ली पकड़ रहे हैं। तो बोला भाई अगर पकड़ लोगे तो हमको भी महीनों लग जाएंगे ये बताने में कि हम बिल्ली नहीं है ऊंट है। तो यही हम लोगों के साथ भी हुआ, सतीश कुमार सर को ये प्रूफ करने में 9 महीने लग गया कि उनका पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से यानी बच्चों के विभाग से कोई मतलब ही नहीं था। तो आज ये जो गवर्नमेंट कर रही है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों का रेप हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, हैं किसान हत्या कर रहे हैं, तो वो देश नहीं चाहिए। आप सब यहाँ बैठे हो, रामायण सबने पढ़ी होगी, रामराज के बारे में सबने जाना होगा, कहाँ रामराज में इतना रेप होता था। मैंने भी रामायण देखी है, हम लोगों को भी स्कूल में पढ़ाया गया है, कहाँ रामराज में दलितों को इतना मारा जाता था, कहाँ रामराज में इतना लोग एक किसी आदमी को मार के खुश होते थे, ताली बजाते थे, मिठाइयां बांटते थे, कहाँ रामराज में इतने किसान आत्महत्या करते थे। तो ये रामराज नहीं है, तो जैसे जिग्नेश भाई ने कहा ये जंगल राज है, तो उनके कहने से वो रामराज नहीं बन जाएगा। 3 तलाक हलाला, 4 शादी, ये मुसलमानों के कोई मुद्दे नहीं है। मैं मुस्लिम मौलाना क्लर्क नहीं, क्लेरिक नहीं हूं कि ये कहूं, पर हम जानते हैं 99% मुसलमानों के ये मुद्दे नहीं है। 3 तलाक हलाला और 4 मैरिज ना मेरे खानदान में किसी ने किया है, ना आसपास के लोगों ने कभी किया होगा, पुराने जमाने में कभी होता होगा, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस वाले ऐसा शो करते हैं कि सारे मुसलमान इसी के लिए मरे जा रहे हैं। नहीं, हमारे लिए वही मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट जॉब, हमें ये चाहिए। हमें कोई आप करवा दीजिए, आप जाइए लॉ बना दीजिए, पर इस तरह की बातों को करके बेवकूफ जनता को मत बनाइए, ये हमारे मुद्दे नहीं है। जो मुद्दे दलितों के हैं, जो मुद्दे किसी बैकवर्ड क्लास के हैं, जो मुद्दे आम आदमियों के हैं, जो मुद्दे आम हिंदुस्तानी के हैं, वही इस देश के मुसलमानों के भी है। कोई अलग से नहीं आए हैं, कोई अलग है भी नहीं। जिस देश की अभी मैंने सर से ही पूछा था कल, और मैं अभी केरल गया था, तो केरल में एक मंच में बैठा था, तो स्टूडेंट से इंटरेक्शन था, तो उन्होंने ही पूछा कि अंबेडकर जी बड़े हैं कि गांधी जी बड़े हैं। तो मैं भी थोड़ा इस क्वेश्चन को मैंने सर से पूछा, जवाब क्या है सर, तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया, प्री इंडिपेंडेंस यानी आजादी के पहले का हीरो हमारा पिता महात्मा गांधी थे, और आजादी के बाद
हमारे पिता अंबेडकर जी, उन्होंने ही इंसान को इंसानियत का दर्जा दिलाया। ये कैसे हो सकता है कि आज भी 70 साल की आजादी के बाद एक किसी आदमी को अपनी शादी में घोड़े पर बैठने के लिए डीएम से इजाजत मांगनी पड़े? हैं? अरे मेरी शादी है, मैं घोड़े चढ़ू या हाथी में चढ़ू, तुमसे क्या मतलब है? उसके लिए भी इजाजत मांगनी पड़ती है, और अगर करना चाहते हो तो तुमको 100 कोड़े मारे जाते हैं। यह हमारा भारत है, 70 साल हो गए। तो वो जो समानता की पुणे एक्ट जो मांगा था अंबेडकर जी ने, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, उसको वो गांधी जी के कहने पे छोड़ इसीलिए दिया था, हालांकि वो जीत करते थे, उनको पता था कि 70 साल बाद ये जो ब्राह्मणवाद है, जो सोच है, जो आइडिया है कि हम दबा के ही रखेंगे इनको, वो 70 साल बाद भी रहेगा। इसीलिए वो पुणे एक्ट की मांग कर रहे थे, अपना अलग मांग कर रहे थे कि हमको वोटिंग अधिकार दो, हमको अपना अलग क्षेत्र दो। एनीवे, बहुत टाइम हो गया है, तो जो स्तंभ मीडिया और जुडिशरी भी इनके दबाव में आ चुकी है, तो 2019 में हमारे लिए जीने मरने का और कोई रास्ता नहीं बता रहा। सबने बोला, मैं भी यही बात करूंगा, और ये एक बात अलग से कहूंगा आपसे कि मैं वादा करता हूं कि 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी 2019 में नहीं आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बिहार 120 सीट ले जाता है, अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल जी और उधर लालू जी की जो गठबंधन है 100 सीट ले जा रही है, तो 270 सीट लाए थे, 100 घटा दीजिए। तो मैं आपको ये वादा करता हूं, और आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे ये बात हुई है कि दो अभी आज जैसे बात हो रही है एससी एक्ट में जो है सरकार बदलाव ला रही है। क्यों बदलाव ला रही है? क्योंकि वो 2 अप्रैल की वजह से, अगर 2 अप्रैल को आप खड़े नहीं होते, अगर 2 अप्रैल को पूरे इंडिया में आंदोलन नहीं होता, तो एससी एक्ट में बदलाव नहीं। तो आपको अपने अंदर इस बात को सोचना पड़ेगा कि भारत माता रो रही है, भारत माता को ये लोग घायल कर रहे हैं, ये किसी के नहीं है। हमें जो अपना हिंदुस्तान 76 साल पहले मिला था, 70 साल पहले मिला था, हमें वही चाहिए जहां हम लोग फिर से मिलके एक दूसरे का दुख दर्द बांट सके, जहां पे बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई मंदिरों के आंगन में फिर से बच सके। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।